हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम सूजी, दूध और आलू की पूड़ी बनाएंगे। ये पूड़ी बाकी सभी पूड़ियों से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। साथ में पूड़ी के साथ खाने के लिए लहसुन और मिर्च की चटनी बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप सूजी, आधा कप गर्म दूध, दोनों को मिक्स कर देंगे और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिसे मैंने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 3-4 पिंच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका आटा लगाएंगे। आटा लगाने में हमें केवल 2-3 चम्मच पानी ही लगेगा और आटा हमें वैसा ही लगाना है जैसा हम गेहूं के आटे की पूड़ी बनाते समय लगाते हैं। तो आटा हमने लगा लिया है। अब हम आटे को ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और अब हम चटनी बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप लहसुन की कलियाँ, आधा कप तीखी वाली हरी मिर्च जिसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है, 1 टीस्पून जीरा। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे 2-3 मिनट तक भून लेंगे। हरी मिर्च और लहसुन को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, केवल इसका कच्चापन चला जाए। तो लगभग 3 मिनट हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने के छिलके को हमने अलग कर लिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1 मिनट इसे और भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसे एक मिक्सी के जार में डाला है। अब हम इसे दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। तो इस प्रकार से चटनी को हमने दरदरा रखते हुए पीस लिया है। अब हम इसे अलग रखेंगे। 10 मिनट बाद आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। इसे थोड़ा सा मसल लेंगे और अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। इस आटे से आप 18-20 लोई आराम से बना सकते हैं। तो सारी लोई हमने बना ली है। अब हम एक लोई लेंगे और इसे बेलेंगे। पूड़ी को हमें ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा रखते हुए नहीं बेलना है। तो एक साथ हम 4-5 पूड़ी को बेलने के बाद इसे फ्राई करेंगे। इसी प्रकार से पूड़ी को हम बेलते जाएंगे और साथ साथ फ्राई भी करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को हमने गर्म कर लिया है। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इस प्रकार से पूड़ी को हल्का हल्का दबाते हुए फ्राई करेंगे। इससे सारी पूड़ियाँ फुली फुली बनेगी। पूड़ी को आप अपने हिसाब से लाइट गोल्डन या डार्क गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। और गर्मा गर्म पूड़ियों को चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनकर तैयार होती है। इस पूड़ी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।